वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज दीपेंद्र सिंह। तो आज मैं जा रहा हूँ इवेंट के लिए और वो भी विकल्प सर के साथ। ये देखो, ये मेरे बैग वैग तैयार हो चुके हैं और ये हैं जिम के सामान जो कि हम लोग यहाँ पर अभी सब सेटअप कर रहे हैं। ये हमारा ऑफिस बनेगा और यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनेंगी। तो चलिए, ये सब पहले नीचे लेके चलते हैं और हम जा रहे हैं गोवा। ये आ गई हमारी कार, ये गणेश जी और ये वीरेन भाई और हमारी पावड़ी और ये। सो वीरेन भाई हमको छोड़ने आए हैं, अभी विकल्प सर आएंगे। विकल्प सर इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में रहते हैं। यस, और यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये तो मीरा रोड है, अंधेरी तरफ तो पूरे मतलब ऐसा गैप दिखेगा ही नहीं आपको। हर जगह बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, और ये वाली बिल्डिंग में हम रहते हैं। अभी सर आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और उसके बाद गोवा। शो भी करना है। अभी हम ओला बुकिंग कर लिया है और अभी हम गाड़ी में निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। और अभी यहाँ से एक घंटा लगेगा एयरपोर्ट का, और फिर एयरपोर्ट में सेम टाइम पे हमारी फ्लाइट्स है, लेकिन फ्लाइट अलग अलग फ्लाइट हुई है। लेकिन सेम टाइम पे निकलेंगे और सेम टाइम पे पहुँचेंगे गोवा। हम लोग अब एयरपोर्ट आ गए हैं और अब यहाँ से जाएंगे गोवा। मुंबई का श्री छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2, और T2 पे दीपेंद्र भाई अब आ गए यहाँ पर। और अब यहाँ पर होगा, अब देखो आप एयरपोर्ट पे देखो, अब अगर हम अंदर नहीं गए टाइम पे तो फिर देखो चलना चाहिए हमें। गाइज, एयरपोर्ट के अंदर हूँ और अभी फ्लाइट को टाइम है। तो दीपेंद्र जी, जी ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे एरोप्लेन्स हैं, अंदर बैठ के नहीं ऊपर खड़े होकर जाएंगे। तो आर यू एक्साइटेड फॉर योर शो? बिल्कुल सर, आपके साथ पहली बार। मेरे साथ नहीं, मतलब वैसे ही आप एक्साइटेड हो शो के लिए? बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ सर और बहुत मज़ा आने वाला है और बस इंतज़ार है। आज नींद नहीं आएगी। हाँ, वैसे भी नहीं, वापस की फ्लाइट है ना आपकी? बिल्कुल आज रात में फ्लाइट है। लेकिन ये चाय नहीं है, ये जूस है। इसे दो अलग अलग बोतल में जूस पीएंगे। इसे प्यार नहीं बढ़ता है, लेकिन हेल्थ बढ़ती है। अरे वाह, क्या बात। अरे जवा राजू, तू यहाँ जूस पी रहा है? बाबू भैया, मेरे हाथ में ना स्कीम लगी है, ये जूस पीने से ना 21 दिन में हेल्थ डबल हो जाएगा। मेरे को इतना पैसा किधर से आ रहा? देवा रे देवा, मैंने ना लक्ष्मी चिट फंड में पैसा डाला था। ज़्यादा बादल थे, मुझे डर लग रहा था प्लेन ऐसे से हिल रहा था सर। मैं तो सो गया था फ्लाइट में। ओह, आपको देख के लग रहा होगा। बिल्कुल मैं छोटी बच्ची जैसी शक्ल हो गई मेरी। तो अभी हमारे पास बैग आएगा और हम जाएंगे शो करने के लिए। आह, क्या बात है सलमान। अरे वाह,
सड़कें हैं बहुत अच्छी सड़कें हैं, कमाल सड़कें सर भी बने हुए हैं पक्के सीमेंट, जो आसपास में पेड़ पौधे हैं बहुत बड़े हैं ज्यादा, इनके नज़ारे लेने से ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं हमारे सामने खड़े हैं। हर जगह रिजॉर्ट 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 रिजॉर्ट, हरियाली हरियाली हरियाली, मस्त जगह है रहने के लिए। बंगलों का फोटो ले लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। रिजॉर्ट में आ चुके हैं और अब कुछ भी खाली नहीं, चले रिजॉर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी देर तक मैंने रेस्ट भी कर लिया और नहा वहा भी लिया मैंने सब, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को रूम दिखा देता हूं कि रूम कितना शानदार है। तो चलो, ये रहा दरवाज़ा और यहां से अंदर आते ही शायद आप देख सकते हैं ये वॉशरूम है कुछ ऐसा है ये, और ये हो गया अपना बेड, बढ़िया से प्यारे से लैंप और टीवी, ये देख सकते हैं आप लोग, और पीछे का ये जो ये खोलते हैं इसको तो ये आ जाते हैं पीछे बालकनी में, और कितना प्यारा व्यू है देख सकते हो आप। शाम हो रही है, शाम के 5 बज रहे हैं गाइस, बढ़िया यहाँ बैठ के चाय शाय पी सकते हैं, सही है। फिलहाल तो अभी मुझे तैयारी करनी होगी इवेंट की, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो चलो मिलते हैं इवेंट में। तो आ चुके हैं हम लोग इवेंट में और ये बहुत अंधेरा है यार इधर पे, अंधेरा अंधेरा, मैं दिखूंगा कैसे? मैं अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, हाय गाइस, दिस इज ऋतिक रोशन हियर एंड दिस इज अक्षय सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, अभी मैं सर के साथ शो करने वाला, मैं क्रिश बन के उड़ूंगा। गाइस हम तैयार हैं इवेंट के लिए, मैं तैयार हो चुका हूँ गाइस देखो, और आई एम वेरी एक्साइटेड, विकल्प मेहता सर के साथ शो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। तो सर का यहाँ फोटो शूट होने लगा। इज दीपेंद्र, हाय, इज आल्सो डूइंग सम एक्ट्स विद मी, सो दिस इज द इवेंट, चेक दिस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही देर में आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में चालू होने वाला है। आप सभी का स्वागत करते हैं गोयल फैमिली और राठी फैमिली की तरफ से, दुल्हा दुल्हन आपके बीच पधारने वाले हैं, आने वाले हैं, और कुछ ही सेकंड्स में हम उनका वेलकम यहां पर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द वंडरफुल गेस्ट, जितने भी हमारे मेहमान यहां पर पधारे हैं, सबका स्वागत करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं, ताकि लेट्स वेलकम द ब्राइड एंड ग्रूम फॉर ही ग्रैंड एंट्री, आपके सामने म्यूजिक। जिंदगी है हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे, वंस मोर। अरे बाप रे सर,
आपने जो ये ठुमकेश्वरी वाला किया है कमर पे लगा के, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस मेंटेनेंस के पीछे क्या लगता है? होना बाकी है, मैं आपके साथ में वहां पे भी आऊंगा, तो अंदर हम डीजे पार्टी भी करने वाले हैं, तो आप सब वहां पे भी हमें प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ऑल द वंडरफुल गेस्ट, छोटे बड़े सब वहां पर आइएगा, वी गोना हैव लॉट ऑफ फन, पार्टी होने वाली है, तो आप सब वहां पर हमें ज्वाइन कीजिएगा। दीपेंद्र थैंक यू, और नाउ वी हैव आवर, तो इवेंट लगभग हो ही गया और आगे भी हम और भी करेंगे सर जी। हम आज हम दोनों ने परफॉर्म किया और भाई ने मिमिक किया, हम दोनों ने साथ में होस्ट किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और कोशिश करेंगे कि आगे और मेहनत करके हम दोनों साथ में और परफॉर्म करें, और मैं बधाई देना चाहता हूं और भाई को विशेस देना चाहता हूं कि बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड है मेरा छोटा भाई है, तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही ये मेहनत करे और भाई आगे बढ़े। तो बड़ा अच्छा लगा ब्रो के साथ और मज़ा आया प्रोग्राम में, आज पूरे ट्रैवल भी हमने किया, शो भी किया, बड़ा मज़ा आया, सो बहुत मज़ा आया, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर से, और भी आगे सीखता रहूँगा और मज़ा आता रहेगा, मज़ा आता रहेगा, थैंक्स गाइस, थैंक यू।